देश भारत कभी नहीं है, भले राजाओं का राज था, राजा लोग डरा के धमका के दो चार को बढ़िया था, राजा का राज था, राजा का देश कभी नहीं था। तो देश किसका था? किसानों का देश था। देश हमारा था। एक भी रानी का फोटो दिखाइए, रानी तलवार में से मिल जाएगी, रानी यहाँ सोना यहाँ तक साड़ी में मिल जाएगी। हमको रानी का यहाँ तक का साड़ी वाला फोटो नहीं चाहिए, हमको रानी का यहाँ तक साड़ी वाला फोटो चाहिए जो खेत में जाके धान रोप रही है। किसी राजा के म्यूजियम में जो रानी खेत गई है, है किसी राजा के म्यूजियम में कि रानी ने धान काटा है? तो देश आपका कैसे हुआ? आपने डरा के धमका के राज किया है। देश किसानों का है, देश चासा करने वालों का है, देश हमारा है। यह तो दिमाग में हमने भर गलो, हमने इतिहास के खत्म करके बता दिलो राजा के देश लग लो, कभी देश राजा का ना हलय, देश किसानों का हलय। राजा गर्दन काटा हलय, गर्दनवा काटल बाद जो मुड़िया हलय, मुड़िया के मांस से लोग पेट भर ले की। राजा गर्दन काटा हलय, हमने धान का टहल लिया। बताओ इम्पोर्टेंट कथी है, बताओ इम्पोर्टेंट की है कि राजा में तलवार से गर्दन काट ले उठा इम्पोर्टेंट है कि हमें हंसवा लेके धान काट लिए सैटा इम्पोर्टेंट है? धान धान इम्पोर्टेंट है। तो फिर इसलिए मिटाइए उस इतिहास को, अगर कहीं लिखा है तो पढ़ना बंद कीजिए, खोजिए अपने इतिहास को, कहां छुपा है आपका राड़ इतिहास, खोजिए अपनी संस्कृति को, भूल जाइए उस राजा के इतिहास को। राजा के ने तलवार के नोक से शासन किया है, खेती हमने किया है। अरे को झुपकी ना, भारत आजाद भाई गेलो, जमीन भारत सरकार के लगो, जमीन भारत सरकार के लगो, चल जो एसटीओ है यहां सर्वा कह दो जमीन भारत सरकार के लगो, चल जो सीओ है यहाँ कह दो जमीन भारत सरकार के लगो, यदि अभी कह तो भारत सरकार के लगो तो सीओ के नकवा टाइन के कनवा खींच के बाहर आने तो नहीं। अरे कहे सीओ दिखाओ कण कितबा में लिखल हो जमीन वा भारत सरकार के लगो, और हम देखेगो कितबा जनता तो बाप भी मानतो भारत के संविधान 39B में लिखल हो, 243 में लिखा लो कि भौतिक संसाधन में जन समुदाय की भागीदारी, जन समुदाय के बीच बराबर का वितरण होना चाहिए। कहां लिखा लो भौतिक संसाधन मने ठेका पत्थर गिट्टी चूना छड़ी बाला पात पाला कोयला यूरेनियम चूना भौतिक संपदा। कहां लिखल है? कहीं नहीं लिखल है। तो कहे भाई इतना बोका हमने कैसे न हटे, हमने जाने नहीं गले, अपन इतिहास भुलाए गले, नियम कानून भुलाए गले, सही खातिर कह दलो आप तो रसीद कटाते हैं। अरे रसीद अंग्रेज काटा है, यानी आप अंग्रेज है? रसीद काटने का नियम भारत में कब आया है? कब आया है? क्या बुद्ध काल में रसीद काटा जाता था? मौर्य काल में रसीद काटा जाता था? रसीद काटने का नियम अंग्रेज का है। तब तो भाई बड़ा सवाल है भारत सरकार से कि अब भारत सरकार है कि अंग्रेज की सरकार है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। यही समस्या है कि हम लोग समझ नहीं पाए, देशभक्ति के नाम में एगो फारसी टाटा को सारा संपत्ति दे दिया, हम समझ नहीं पाए। आज समझना होगा, आज लड़ना होगा, आज एकजुट होना होगा। इसलिए पहले नियमों को जानिए, पहले कानूनों को जानिए। आज हम लोग नियम कानून से बात कर रहे हैं इसीलिए ना लोग डर रहे हैं, इससे पहले लोग डरा ले तुरते लाठी डंडा मार के साइड कर दलो। अरे अब तो नियम कानून के बात हो रहा है ना, 32 के उदाहरण 32 प्रकार के दे रहा है,
देखा से पहले कोई नेता से पूछा अलग के मंत्री जी आप 32 का बात करते हैं, 32 तो अंग्रेजों के टाइम का है, अनुसूची 9 में कैसे शामिल होगा? कली मंत्री जी रुक जाइए, हमें ना पीछे खड़ा। भारत संविधान 66वां संशोधन 1990, भारत का संविधान संशोधन 66 नंबर 1990, क्या संशोधन हुआ था? सीएनटी कानून 1908 अनुसूची 9 में डाला गया था। आजाद भारत में 1990 में 1908 का कानून अनुसूची 9 में शामिल हुआ है, 1932 कहे नहीं होगा, कहे नहीं होगा। आइए उत्तर दीजिए और बोलिए मुख्यमंत्री को उत्तर देने ना आए, बड़ी मुश्किल से इंटर पास किए हैं हम लोग, पीएचडी कर रहे हैं, भेजिए मुख्य सचिव को, आईएएस लेवल के आदमी को भेजिए, बात उनसे करेंगे। कहे नहीं 32 होगा जी, जब 1908 1990 में जोड़ा गया तब का सुतल थे, कहे नहीं होगा। और इसीलिए नहीं होगा ना कि अंग्रेज का टाइम का है, तो जाइए शुरुआत कीजिए, रेल पटरी को खाड़ के फेंकिए, अंग्रेज का है, अंग्रेज का है ना, मैं बोका झारखंड के लोग। और एक्चुअल में इन लोग यही चाहता था, इसीलिए हमारा नेता मंत्री लोग को भी इन लोग बोका बना के रखता था। जानकारी खतर तो होने के बताया दे, हाल फिलहाल कोई टीचर के टीम गेल रहा हेमंत सोरेन से मिले ले, कहले मुख्यमंत्री जी प्राइमरी टीचिंग में कॉन्ट्रैक्ट कुछ बात कर ले कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कल हाँ रे तुम क्या बता रहे हमको पता नहीं है। यानी एखनी गौड़ के नीचू से राज के बेचे के तैयारी भई रहा। बोकारो में हाल फिलहाल हमारे एगो बढ़िया बिजनेसमैन बैठा रहा, वो एक लाइन में कहा है हमारा एकदम रिकॉर्ड के साथ बाय नेम कहा कि झारखंड में मैक्सिमम डीसी डीडीसी एसएसपी इन लोग का जमीन जमीन नहीं फ्लैट दिल्ली में है, जिसका दाम 15 करोड़ है। अरे हमने एक तो नेतवैन लाख टका में बदल जाओ, करोड़ के घोल मतलब यहाँ घोल माल भर रहा है। आज समय बलवान अखनिक है, लेकिन समय सबके एक बार उठाए के पटका है, जब समय आता है पता चल जाता है कि वो डीसी रामगढ़ का है कि हजारीबाग वाली है। आता है समय पूजा सिंघल का समय है, लेते तोनी को है तो बस इंतजार कर, हटे खबर ज्यादा गरीब के हाय मत ले, ज्यादा गरीब के हाय मत ले। अरे पुलिस के बंदूक तोर सुरक्षा खातिर हो, इस शुगर वाला बीमारी तोर खातिर थोड़ी सुरक्षा कर दो, ऐसे सांस ले बिगुर मर्जी में रही, सड़क किडनी फैले के मर्जी में, दिलवो ने धड़क तो और हार्ट अटैक भय के मर्जी में, और मरिए रहा है। आप दया मत कर, बहुत दया कर लिए, मोसाद बन जे सतै तो ओकर खातिर एकदम कठोर बन जो, मरिए रहा है तो सह खातिर तमाम मीडिया के माध्यम से हम चाहेंगे मीडिया लोग छपे एकदम फ्रंट लाइन में कि जितने भी आईएएस आईपीएस हैं, ज्यादा गरीब का पैसा मत खाइए, वरना हार्ट अटैक होके मर सकते हैं, दिल का दौरा लग सकता है, सर्वा किडनी खराब हो सकता है, अन्यथा शुगर तो ऐसे आएगा। एकदम बोलिए कि हमने एकदम खुला बोला है, जितने कलेक्टर हेड को एकदम चैलेंज करते हुए बोला है, क्योंकि ये प्रमाण है। मैक्सिमम जिला के जो उपायुक्त हैं या पुलिस के अधीक्षक हैं, उनका दिल्ली में फ्लैट है, एक फ्लैट का दाम 15 करोड़ है। तो इसलिए चाहे सीसीएल हो, जितने भी विस्थापित लोग हैं, जिनका जमीन जगह गया है खदान में, जिनका जमीन जगह गया है उद्योग में, एकदम एक साथ तैयार हो जाइए और लड़ाई आर पार होगी, और हम साथ